आयुष्मान योजना भी वंशिका के दर्द को मरहम नहीं लगा पा रही है। प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना भी दम तोड़ती नजर आ रही है। बेटी का इलाज करवा रहे वर्मा दंपति ने अपना सब कुछ अपनी बेटी के लिए दांव पर लगा दिया, मगर इलाज के लिए करीब 4,20,000 रुपए के टीकों की जरूरत का भी कहीं से जुगाड़ करेंगे। कुरुक्षेत्र जिले के गांव मथाना की रहने वाली 12 साल की नन्ही परी वंशिका वर्मा शरीर की गंभीर दुर्लभ अजीबोगरीब बीमारी सोजिया से पीड़ित है। इस बीमारी में वंशिका वर्मा के शरीर की हड्डियां मुड़ गई हैं। उसे असहनीय दर्द के साथ शरीर की हड्डियां कहीं से भी टूट जाती हैं। करीब 10 साल से दर्द सह रही वंशिका को डॉक्टरों से भी डर लगता है। अब वो टीचर बनने के साथ साथ तेज दौड़ना भी चाहती हैं। अपनी बेटी का इलाज करवा रहे वर्मा दंपति ने अपना सब कुछ अपनी बेटी के लिए सब कुछ बेच दिया, यानी जमा पूंजी पानी की तरह बहा दी, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लेकिन अब तक पीटीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर ने वंशिका के इलाज के लिए करीब 4,20,000 रुपए के टीके लिखे, लेकिन वंशिका के परिवार की आर्थिक हालत से वाकिफ पीजीआई के डॉक्टर्स ने खुद के लेटर पैड पर वंशिका की सलामती के लिए लोगों से मदद की अपील भी की। वंशिका को ना तो कोई सरकारी मदद मिल रही है, ना ही वंशिका का इलाज आयुष्मान योजना में हो पा रहा है। वंशिका को 2 महीनों में 12 टीके लगवाने के लिए पीजीआई ने लिखा है, जिनकी कीमत करीब 4.5 लाख है। आयुष्मान योजना में लाभार्थी का अस्पताल में दाखिल होने पर इलाज होता है, लेकिन वंशिका की बीमारी में दाखिल होने की बजाय घर से आकर टीका लगवाना है, जो आयुष्मान योजना में नहीं आता। ऐसे में आयुष्मान कार्ड का भी उन्हें कोई फायदा नहीं। ऐसे में वंशिका के परिजन जनता और सरकार से मदद मांग रहे हैं। अब क्या बनोगी? मैं बड़ी होगी टीचर बनना चाहती हूँ। क्यों बेटा? डॉक्टर क्यों नहीं? डॉक्टर नहीं बनना। क्यों? मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ? तो जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ। और क्या चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं आप? और नहीं, खेलना भी चाहती हैं? हाँ। दिल करता खेलने का? हाँ। मेरा दिल करता है खेलने का, मैं खेलना चाहती हूँ। पढ़ना चाहती हूँ? मैं पढ़ना चाहती हूँ। बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। आपका? वंशिका। बेटा क्या बनना चाहती हूँ? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। क्यों? मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर क्यों नहीं? डॉक्टर नहीं बनना। क्यों? डर लगता है डॉक्टर से? हाँ। और क्या करना चाहती हूँ? मैं बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, मेरा भी मन करता है खेलने का। जल्दी ठीक हो जाओगी? हाँ। मेरा नाम गीता है, मैं वंशिका की मम्मी हूँ। वंशिका मेरी बेटी है, 12 साल की हो गई है। वो जब 1 साल की थी तब उसको बुखार आया था। 3.5-4 साल की एज तक उसको बुखार रहा, 106 डिग्री, 107 डिग्री। उसके बाद उसको 32 में लेके गए हम पीजीआई, वहाँ उसको 3-4 महीने रखा। अब उसका इलाज पीजीआई से ही चल रहा है, 8-9 साल हो गए हैं। और हमारा आयुष्मान का कार्ड भी बना हुआ है, अगर एडमिट करते तो चलता है, अब वो चलेगा नहीं। अब इसको इंजेक्शन लगवाने बहुत ज़रूरी है, इसको इंजेक्शन लगने हैं 6 महीने में। 1,16,000, 2,16,000 का एस्टिमेट बनाया है पीजीआई वालों ने। अभी हमारी रेंज से बाहर है, हम नहीं कर सकते। मैं मोदी सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारी सहायता करे, मेरी गुड़िया को पढ़ाने लिखाने में, मेरी गुड़िया को ठीक करने में हमारी मदद करे। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, आगे दुनिया दिखाना चाहती हूँ। वो भी पढ़ना चाहती है, टीचर बनना चाहती है। मेरा नाम देवेंद्र वर्मा है, मैं गांव मथाना का रहने वाला हूं। मेरी बेटी का नाम वंशिका है, जो कि आज बीमारी का शिकार बनी हुई है, और आज उसको 11-12 साल से मैं दिखा रहा हूं। उसके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है। मैं जहां तक मेरी रेंज थी मैंने उसको दिखाया, अब उसको जो खर्चा है मेरी रेंज से बाहर हो गया है। हमने सब अपना सब कुछ बेच बूच के उसको इलाज करवा रहे थे, लेकिन अब पीजीआई वालों ने बोला है कि उसको इंजेक्शन लगने हैं, जो कि एक इंजेक्शन की कीमत 18,000 रुपये है और महीने में 2 लगने हैं। ये कम से कम 6 महीने तक लगेंगे, बोला तो साल तक का, लेकिन वो 6 महीने तक लगा के देखेंगे। उसके बाद मैं जो अपनी गुड़िया के सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ, और वो बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरे को बहुत प्यार करती है, अपनी मम्मी को भी बहुत प्यार करती है। चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार हमारी हेल्प करे, या मोदी सरकार के में आयुष्मान वाला कार्ड बना हुआ है हमारा, लेकिन वो नहीं चल रहा है। उसमें आयुष्मान कार्ड में
मतलब कि ये जो खर्चा है वो दे सकें। हम यही अपील करते हैं कि हमारी बेटी का इलाज हो और वो ठीक हो जाए।